है कि चल दिया। आज के 10 साल पहले वो सारी कच्ची कॉलोनियां नर्क का दूसरा रूप होती थी, न सड़कें होती थी, लोग घुटने भर के कीचड़ में रहते थे, न पानी की व्यवस्था होती थी, न सीवर की व्यवस्था होती थी, न लाइटें होती थी। मात्र 10 साल के अंदर दिल्ली के वो सारे इलाके जहां पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जितनी भी कच्ची कॉलोनियां हैं, वहां पर आज शानदार सड़कें आपको मिलेंगी, पानी की पाइपलाइन आपको हर जगह मिलेगी, लोग अपने घरों के अंदर पानी अब ले रहे हैं मोटर लगा के, सीवर की लाइन पूरी दिल्ली के अंदर बिछा दी। आज उस तरह से जो कीचड़ में गंदे में पूरी तरह से पूर्वांचल के लोग रहते थे, वो पूरा का पूरा आज खत्म हो गया। कुछ मात्र 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने वो चीज खत्म कर दी। आज पीने का पानी हर एक घर तक पहुंच गया, उसकी एक जाल पूरी तरह से हर एक घर तक पहुंची है। पूर्वांचल के लिए शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर किया, और उसी कामों से प्रभावित होकर आज दिल्ली के पूर्वांचल के एक बहुत बड़े फेस, एक बहुत बड़ा चेहरा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दो बार किरारी से विधायक रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 25 सालों में मात्र एक व्यक्ति पूर्वांचल का व्यक्ति जो कि अध्यक्ष रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो अनिल झा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में थे, बहुत सारे पदों के अंदर थे, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट थे, कई सारे प्रदेश के प्रभारी थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा पूर्वांचल के लोगों के लिए जो काम किया है उससे प्रभावित होकर आज आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं दिल्ली हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी से विनती करूंगा कि उन्हें हमारा प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएं। स्वागत है। मैं अनिल झा जी से कहूंगा कि इस समय पर दो सकते हैं। हेलो, धन्यवाद। मेरा यह सौभाग्य है आदरणीय आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, समतामूलक समाज के जनक, लोकतंत्र के प्रहरी और खासकर पूर्वांचल के लोगों के लिए, खासकर दलितों के लिए, महादलितों के लिए और पिछड़ों के लिए, जो दिल्ली के अंदर सामाजिक न्याय का ताना बाना बुना आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं उनका हाथ जोड़ के कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपकी वजह से दलित, महादलित, पिछड़ा और खासकर पूर्वांचल, जैसे कि मैं खुद बरवनी से दिल्ली पढ़ने के लिए आया था और मेरी आंखों में सपने थे कि पूर्वांचल के सामाजिक न्याय के लिए कहीं पर मुझे कोई सहारा मिले। मैंने एक दल में काम किया लेकिन मुझे लगता था कि वहां पर सामाजिक न्याय, इंटरनल डेमोक्रेसी पूर्वांचल के स्थान होगा, लेकिन खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, उनकी पार्टी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, जो आपने दिल्ली की 1600-1700 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनियों में जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जो दलित रहते हैं वहां, जो महादलित अभी पिछड़े रहते हैं, उनके लिए जो काम किया है। मैं जब बेटियों के चेहरे की मुस्कुराहट को देखता हूं, जब सरकारी स्कूलों में अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाती है, उनको वहां पर भोजन मिलता है, साफ सुथरा भोजन मिलता है, उनके पेरेंट्स की मीटिंग होती है, मोहल्ला क्लिनिक जो डिस्पेंसरियां बनाई गई उस डिस्पेंसरियों में उनका बेहतर इलाज होता है, आखिर यही तो सामाजिक न्याय है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, हम ऐसा कर देंगे, देश दुनिया सुरक्षा की बात, जब आप अपने घर पर जाते हैं और जब बातें करते हैं, जो जिस दल में मैं रहा, तो वहां सिफर और शून्य हो जाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो हमारी बेटियां हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, जिनको हेल्थ केयर व्यवस्था चाहिए, गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, पूर्वांचल के लोगों को, हम यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, कलकत्ता से आए, हमने देखा कि अगर कोई सामाजिक न्याय का नारे को पुख्ता कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल। इसलिए मैं प्रभावित होकर के
हालांकि मैं 32 वर्ष एक पार्टी में रहा हूं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है कोई फैसला लेना, लेकिन मैं अरविंद जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ हूं। मैं अरविंद जी को यह वादा करता हूं कि समस्त पूर्वांचल, मिथिलांचल, अवधिया, मगधिया, अवध के लोग, मगध के लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि आपने सामाजिक न्याय के नारे को पुख्ता किया है, उस नारे को बुलंदियों तक पहुंचाया है, खाली बात नहीं की है, उसको जमीन पर लेके गए हैं। जिस अनथराइज कॉलोनी के अंदर आज से 15 साल पहले 2000-3000 रुपए गज जमीन होती थी, अरविंद जी के आने के बाद वहां पर 70,000, 1,00,000, 1.5 लाख रुपए गज जमीन, जानते हैं क्यों है? क्योंकि वहां पर मोहल्ला क्लिनिक है, वहां अच्छे स्कूल है, वहां पानी की अच्छी व्यवस्था का प्रयास किया गया है, सीवर लाइन का प्रयास किया गया है, डिस्पेंसरियां खड़ी की गई है। और बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्र की, चिंतन की, वह 14 पंथ मार्ग आज पूर्वांचल के लीडर का, हार्डकोर कार्यकर्ताओं का कत्लगाह में तब्दील हो चुका है। वहां पर कई मंथराओं और लुटेरों का एक संगठित गिरोह काम करने लगा है। मुझे लगता है इन सब के परिवर्तन के लिए, इन सब को चेंज करने के लिए मैं आदरणीय केजरीवाल जी के मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी, पूर्वांचल का प्रतीक चिन्ह। मैं अरविंद जी से विनती करूंगा दो शब्द। सबसे पहले मैं अनिल झा जी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर दिल्ली में पूर्वांचल का जिक्र किया जाए तो उनमें जितने सबसे बड़े नेता हैं उनमें से एक अनिल झा जी माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, जिन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए बहुत काम किया। चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो सत्ता के बाहर रहे, उन्होंने हर वक्त पूर्वांचल समाज के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब हमारे साथियों को, भाइयों बहनों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वो शिक्षा और रोजगार की तलाश में दिल्ली की तरफ मुंह करते हैं, दिल्ली आते हैं। और दिल्ली जब वो आते हैं, अपने गरीबी की वजह से वो मौजूदा कॉलोनियों के अंदर घर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से DDA फेल हो गया गरीब लोगों के लिए घर बनाने में, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर ढेरों कच्ची कॉलोनियां बस गई। उन कच्ची कॉलोनियों के अंदर सबसे ज्यादा पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं। पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ आज दोनों पार्टियों ने केवल राजनीति करने के सिवा कोई काम नहीं किया, केवल और केवल राजनीति किया। 2015 में जब मैं मुख्यमंत्री बना और जब मैंने अफसरों, उसके पहले मैं गली गली में घूमा, बहुत घूमा मैं दिल्ली के अंदर, और जब कच्ची कॉलोनियों में जाता था तो इतना इतना पानी होता था, कोई पानी की निकासी नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, सीवर का कोई सिस्टम नहीं था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई दवा दारू का कोई सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं था, कोई स्कूल नहीं थे, कोई विकास नहीं था। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अफसरों की मीटिंग बुलाई तो अफसरों ने कहा, जी यहाँ विकास हो नहीं सकता, केंद्र सरकार के निर्देश हैं, कोर्ट के आदेश हैं, कच्ची कॉलोनियों में विकास हो नहीं सकता। उन सारी अड़चनों को और बाधाओं को दूर करके पहली बार दिल्ली के अंदर 2015 से हमने कच्ची कॉलोनियों के अंदर विकास करना चालू किया। हमने सड़कें बनानी चालू की, हमने सीवर डालने चालू किए, हमने पानी की निकासी का काम शुरू किया, हमने स्ट्रीट लाइट्स डलनी चालू की, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाने चालू किए, हमने स्कूल बनाने चालू किए, हमने पानी की पाइपलाइन डालने चालू की। ये 6-7 चीजें हमने करनी चालू की। दिल्ली में 1,750 कच्ची कॉलोनियां हैं और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम अब लगभग 1,650 के करीब कच्ची कॉलोनियां ऐसी हैं जिनके अंदर फॉरेस्ट की वजह से, ASI वगैरह की वजह से काम नहीं हो सकता, लेकिन 1,650 कॉलोनियों में पीने के पानी पहुंचा दिया है। 10,000 किलोमीटर की सड़कें और गलियां मैंने बनवाई हैं पिछले 10 साल के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर। तो जो अभी झा साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने के पहले जिन कच्ची कॉलोनियों में 2,000-3,000 रुपए गज का रेट होता था, आज वहां पे 1,00,000 रुपए गज का रेट है।
जब मैं वहां जाता था 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए, लोग कहते जी रिश्ते नहीं आते हमारे, कोई लड़की देखने आता है तो उसको कीचड़ के अंदर से हमारे घर के अंदर घुसना पड़ता है, ये माहौल देख के हमारे बच्चों की शादी नहीं होती। अब लोगों के अच्छे रिश्ते आने चालू हो गए। सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि सम्मान की जिंदगी दी है हमने पूर्वांचल के समाज, पूर्वांचल समाज को दिल्ली के अंदर। उस समाज से उनके सबसे बड़े नेता आज दिल्ली के हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल धोखा दिया है। पिछले चुनाव में पूर्वांचल समाज का वोट लेने के लिए मुझे याद है दिसंबर 2019 फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में अमित शाह जी और हरदीप पुरी जी यूटी मिनिस्टर थे, वो आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हम आपकी रजिस्ट्री खोल रहे हैं। वो धोखा थी। उनके ऐलान के बाद 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी रजिस्ट्री हुई है कच्ची कॉलोनी की? एक भी, कोई रजिस्ट्री नहीं हुई। इस समय चुनाव के पहले आते हैं और धोखा देके जाते हैं। धोखा देके उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है, हमें वोट दे देगी। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता देखती है, जनता बोलती नहीं है, जनता जब जाती है बटन दबा के अपनी बात रखती है। तो हमने धोखा नहीं दिया, हमने उनके लिए काम किया। मैं ये नहीं कह रहा स्वर्ग आ गया है, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, बहुत सारी कच्ची कॉलोनियां रह गई हैं, अभी उनमें काम करने बाकी हैं, वो भी काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 साल में जो काम किए वो हम ही ने काम किए हैं, बाकी दोनों पार्टियों ने केवल और केवल धोखा दिया कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, पूर्वांचल के समाज को। अनिल झा जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और इनके आने से मैं समझता हूँ केवल किराड़ी नहीं पूरे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी। सर, कैलाश गहलोत जी ने आज रिजाइन कर दिया पार्टी से और मंत्री पद से, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आप देखिए दे रहे हैं, आपको जवाब चाहिए। देखिए पिछले कई महीनों से कई कैलाश जी के ऊपर आप देख रहे होंगे, हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था, ईडी की भी रेड हुई है। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। मैं एक और चीज आज इस मंच के माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की राज्य सरकार है और एक दिल्ली में केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों के पास दिल्ली के संबंध में पावर भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं। केंद्र सरकार के पास तो अथाह पैसा है, कोई कमी नहीं है। दिल्ली सरकार तो छोटी सी सरकार है, आधी सरकार है, चौथाई सरकार है। दिल्ली सरकार ने पूर्वांचल समाज के लिए इतना काम किया 10 साल के अंदर, मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, अमित शाह जी को, वो एक काम बता दें, वो ये बताएं आज खड़े होके कि पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे, एक कारण बता दें। आपके पास तो इतना पैसा था, आप बना देते सारी गलियां, आपने कहा था रजिस्ट्री कराएंगे, क्या रजिस्ट्री कराई आपने? झूठ बोला आपने, आप बना देते स्कूल कच्ची कॉलोनियों के अंदर, डीडीए के जरिए आप जितना काम करा सकते थे करा सकते थे वहां पे, करा देते आप कच्ची कॉलोनियों के अंदर, क्यों नहीं कराया आप लोगों ने? नियत नहीं थी, आपको गंदी राजनीति करनी थी, काम केवल हम लोगों ने कराया। आप जाके अब माइक लगा के उनसे पूछेगा कि केजरीवाल जी पूछ रहे हैं पूर्वांचल समाज दिल्ली का आपको वोट क्यों दे, एक काम बता दो, एक काम। मैंने इतने काम गिना दिए, 6800 किलोमीटर की मैंने सीवर पाइपलाइन डलवाई है, 10,000 किलोमीटर की मैंने सड़कें बनवाई है, 6800 किलोमीटर की मैंने नालियां बनवाई है, पता नहीं कितने काम करवाए हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने स्कूल बनवाए हैं हम लोगों ने, वो एक काम बता दे जो उन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए दिल्ली के अंदर किया। थैंक यू।